हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ फिफ्थ पाक्षिक टेस्ट अक्टूबर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश सॉल्यूशन आंसर। फुल कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को ना भूले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। डाउनलोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दिस वर्ड वर स्पोकन बाय डगल्स टू। इसका ऑप्शन नंबर डी, टू टेरर ऑप्शन होगा। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इज अ स्लम इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम। इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, विलियम डगल्स। आप याद रखेंगे लेसन का नाम और उसका ऑर्थर का नाम पता होना जरूरी है। वेयर यामिका लोकेटेड इन वॉशिंगटन, द इम्प्रिजन्ड माइंड एंड लिव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन कैन बी रिलीज फ्रॉम देयर बाउंडेज इफ दे आर गिवन एन एक्सपीरियंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड मैजिकली। हु थ्रू डगल्स इन द स्विमिंग पूल, अ यंग बॉय। द वॉटर इन द पूल हैड अ डर्टी येलो टिंज। उसके बाद द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपन वैन। इसका हो जाएगा ही वॉज अलोन। चेंज द वॉइस करना है, वॉइस में बदलना है आपको एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में, अगर पेसिव है तो एक्टिव में। हुम डिड यू लॉफ एट, तो इसका हो जाएगा हु वॉज लॉफ्ड एट बाय यू। शट द विंडो, शट द विंडो क्वेश्चन है तो इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा लेट द विंडो बी शट। राजू वॉज फीडिंग द स्पैरो, द स्पैरो वॉज बींग फैड बाय द राजू। उसके बाद चेंज द नरेशन दिया गया, इसका आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वन डे मुकेश सेड टू मी आई शैल बी अ मोटर मैकेनिक एंड लिव फिरोजाबाद, आई सेड टू यू नो एनी थिंग अबाउट कार। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। Why aren't you wearing chappals? I asked one boy. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसके बाद Rina said to boy, What's the matter? इसका आंसर हो जाएगा Rina asked the boy what the matter was. इसका इस तरह से आपको लिखना है। How did the swimming instructor build a swimmer out of टगल्स? तो ये सारा क्वेश्चन आंसर दिया गया। द इंस्ट्रक्टर वर्क ग्रेडुअली ऑन टगल्स फिलोजियोलॉजी मूव ऑन टू फिजिकल मोमेंट एंड देन इंटीग्रेटेड इच पार्ट अप टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ फिन। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन है, आपको ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज को आप बारीकी से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन लिखना है इकोनॉमिक कंडीशन को बताते हुए, अपनी फैमिली की COVID-19 पैंडेमिक का फीस कंसेशन कराना है अपने प्रिंसिपल से, किस तरह से आप इसको लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आपके जो भी स्कूल का नाम है कोई भी डिस्ट्रिक्ट पर हो उसको लिखना है। एप्लीकेशन टू प्रोवाइड कंसेशन इन फीस, आपका रीजन पर्टिकुलर बॉडी के अंतर्गत आपको लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, आई डिक्लेयर्ड क्लास 11th एंड अचीव थर्ड प्लेस इन ऑल द सेक्शन। माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, ही इज नॉट एबल टू सपोर्ट अवर होल फैमिली विद हिज सैलरी। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन हिम। माई अदर टू सिस्टर आर स्टडिंग इन योर इंस्टीट्यूट। इन दिस सिचुएशन ही इज नॉट टू पोजिशन टू पे माई फीस। इन द सर्कमटेंसेज काइंडली ग्रैंट मी पार्ट फी कंसेशन, अदरवाइज आई विल नॉट बी पोजिशन टू कंटिन्यू माई स्टडी फर्दर। उसके बाद देखना है आपको, प्लीज कंसिडर माई प्रॉब्लम सिंपेथिकली,
सिंपत्ति से आप इसको विनम्र आग्रह करेंगे, थैंकिंग यू, आपका नाम, आपकी क्लास और डेट डालना जरूर भूलना मत। ये सारा चीज़ आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। थैंक यू।